12 अप्रैल को आयोजित गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल का आयोजन रविवार को दीक्षा भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्वत यात्रा से हुई। कुलाधिपति के रूप में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनय पांडे मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात वंदे मातरम, कुलगीत, मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने, राज्यपाल और मुख्य अतिथियों के संबोधन के साथ समारोह का समापन हुआ। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह का आयोजन स्थापना के बाद से पहली बार हाइब्रिड मोड में 12 अप्रैल को दीक्षा भवन में होगा। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि समारोह में वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 51 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। इनमें 38 छात्राएं और 13 छात्र शामिल है। कोविड महामारी के चलते इस बार दीक्षांत समारोह को सादगी से मनाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर पहली बार स्वर्ण पदक विजेताओं के अभिभावकों को निमंत्रित नहीं किया गया है। उपाधि धारकों, विद्यार्थियों, एकेडमिक काउंसिल के सम्मानित सदस्यों को ऑनलाइन ही कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। समाज भवन समेत विभिन्न विभागों में मौजूद स्मार्ट क्लासरूम में दीक्षांत समारोह का लाइव प्रसारण होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा। Thank you.
गोरखपुर के 39वें समारोह की विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा करने की कृपा करें। समारोह के शुभारंभ की घोषणा आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय राय जी एवं इस सभागार में उपस्थित अतिथिगण, कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, हमारे आचार्यगण, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया से आए सम्मानित पत्रकार बंधुओं तथा हमें निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले जिला प्रशासन के अधिकारीगण, देवियों और सचिव, आज के इस अवसर पर श्रीमन मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित कला संकाय के संस्कृत, हिंदी, पत्रकारिता, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति इतिहास, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दृश्य कला, मंच कला तथा भूगोल विषय में PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिन्होंने संबंधित परीक्षा के अनंतर अपनी योग्यता प्रमाणित कर रही है। प्रमाणित किए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर विधि संकाय में PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। कुलपति के रूप में विहित अधिकारों से मैं विधि संकाय के विधि विषय के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग प्रमाणित करते रहे। मैं आपके समक्ष संलग्न सूचित अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने विहित परीक्षा के अंदर विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, रक्षा एवं स्थानिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, गृह विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर साइंस विषय में PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। ज्ञान संकाय एवं विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के लिए प्रमाणित करते रहे। योग है कि वे उपाधि धारकों को दीक्षा देश सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो, मान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो आनंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो, जो हमारे अच्छे आचरण है वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मरत, सर्वदय और धर्मानुरागी पुरुष हो उनके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करो। परीक्षाओं का विभिन्न संख्याओं में स्वच्छ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जो स्वर्ण पदक से घोषित किए जाने योग्य हैं। मेरा अनुरोध है कृपापूर्वक इन्हें स्वर्ण पदक से घोषित करें और कृपापूर्वक अनुमति प्रदान करें। मैं सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक से पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।
त्रिपाठी को वर्ष 2020 की स्नातक कला परीक्षा में छात्रों के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए श्रीमती सरस्वती तिवारी पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर वर्ष 2020 की स्नातक विज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक वर्ष 2020 की स्नातक कला एवं विज्ञान परीक्षा के गणित किसी स्नातक गृह विज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक वर्ष 2020 की बीएससी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पंडित हरिहर प्रसाद दुबे स्मृति स्वर्ण पदक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक दिस इज अ प्रिविलेज टू बी साइटेशन फॉर प्रोफेसर संजय राय जी हु इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट the chain of Mount Gomery Colleges based at Maryland, USA. We feel extremely privileged and delighted to welcome you our Krishna of Dindyal Upadhyaya Gorakhpur University, the site of Gautam Buddha's salvation, medal of Nath Pandit, scared seat of Guru Gorakhnath, the land that sheltered the iconoclastic genius of Sri Poet Kabirdas, nurtured the revolutionary nationalist aspirations of the patriot martyr Pandit Ram Prasad Bisweru. The concentrated land of Gorakhpur has witnessed the event of Mount Abu's cultural and civilization importance. Sir, you are born in Gajipur district of Eastern Uttar Pradesh and your mother is from Gorakhpur. Having completed your secondary education from Government Inter College, Allahabad, you joined the University of Allahabad from कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूँ कि वह सभा को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करने की कृपा करें। कुलपति जी से अनुरोध है वह माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन है कि कृपा दीक्षांत समारोह को विधिवत समापन की घोषणा करने की कृपा करें। दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करते हैं। और आगे आ जाओ। आज फुल रिहर्सल था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो 39वां दीक्षांत समारोह 12 तारीख को है, 10:30 बजे से स्टार्ट है। हमने सभी को 9:30 बजे से ही बुलाया है और 10:30 बजे से महामहिम जुड़ जाएंगी। ये एक यूनिक तरह का दीक्षांत समारोह है हाइब्रिड मोड में। इसमें महामहिम और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो दोनों ऑनलाइन जुड़ेंगे। महामहिम लखनऊ से जुड़ेंगी और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो यूएसए के निवासी हैं तो अमेरिका से जुड़ेंगे। प्रोफेसर संजय राय जी वो बेसिकली गाजीपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और यहीं पे उनकी माता जी गोरखपुर की थी तो वो वहाँ से जुड़ेंगे। और COVID-19 के कारण हमने अपनी सारी एकेडमिक काउंसिल को आधा कर दिया है। PhD के स्टूडेंट को हम लोग नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पे नहीं बुला रहे हैं, उनको दूसरे हॉल में उनको रहेंगे, वो लोग संवाद भवन में ऑनलाइन अटैच रहेंगे और उनको उसी समय डिग्री दे दी जाएगी। जो बच्चे गोल्ड मेडल लिए हैं, गोल्ड मेडल लेने वाले बच्चों में
जो 51 तो रेगुलर गोल्ड मेडल है, जो 51 गोल्ड मेडल जो हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी देती है, 51 अलग अलग उसमें है, इस 51 में लगभग 38 गोल्ड मेडल जो हैं हमारी छात्राओं ने लिए हैं, 38 गोल्ड मेडल हमारी छात्राओं ने लिए हैं और 13 गोल्ड मेडल हमारे छात्रों ने लिए हैं। तो लगभग 75% जो गोल्ड मेडल है छात्राओं ने लिए हैं जो रेगुलर हैं, और 25% हमारे छात्रों ने लिए हैं। इसी तरह से जो डोनर्स के गोल्ड मेडल, बहुत जो लोग डोनेट करते हैं, उस तरह के लगभग 79 गोल्ड मेडल हैं हमारे पास। तो 79 और 51 मिला के 130 गोल्ड मेडल हो गए। उस 79 में से 67 गोल्ड मेडल फिर छात्राओं ने मारी है बाजी, और ये करीब 85% गोल्ड मेडल छात्राओं ने लिया है और 15% मेडल छात्रों को गया है। तो कुल मिला के लगभग 80% गोल्ड मेडल हमारी छात्राओं ने लिया है और 20% करीब छात्रों ने लिया है। लगभग 155 पीएचडी की डिग्री भी अवार्ड होगी। पीएचडी में भी जो छात्राएं हैं 155 में से 61 डिग्री उन्होंने दी जाएगी छात्राओं को, जो संवाद भवन से अटैच रहेंगे बच्चे हमारे। तो 39% छात्राएं हैं और 61% छात्र हैं, 94 डिग्री पीएचडी की छात्रों को दी जाएगी। और ओवरऑल जो कुल उपाधि है जो 2019 और 20 के में प्रदान की जा रही है, जो छात्र उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनमें विद्यालय परिषद और महाविद्यालय मिला के 67,613 है, 67,613 डिग्रियाँ उपाधियाँ दी जाएंगी, और उसमें करीब 45,361 छात्राएँ हैं और 22,252 छात्र हैं। तो लगभग 67% हमारी छात्राएं हैं और 33% हमारे छात्र हैं। तो कुल मिला के आप तो ये डिग्रियाँ कल वितरित होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और हम लोग ये पहला कोविड 19 के मानकों का पालन करते हुए ये 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। कोविड 19 को लेकर देखिए, कोविड 19 को लेकर 9 तारीख को माननीय कुलाधिपति जी ने सारे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और कुलपतियों से ऑनलाइन वार्ता की थी, और उन्होंने ये आदेशित किया था कि हर विश्वविद्यालय में एक स्पेशल मुहिम चलाई जाएगी 11 आज से लेकर 14 तक, और सैनिटाइजेशन की, टेस्टिंग की और जनरल अवेयरनेस की। तो इस पे हमारा विश्वविद्यालय भी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी इस पे इन्वॉल्व है। हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, उस टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी हैं, और हर सिन्हा के साथ साथ जो कोऑर्डिनेटर NCC, कोऑर्डिनेटर NSS, कोऑर्डिनेटर रोवर्स रोजर रेंजर भी इसके सदस्य हैं, और 100 सदस्य जो बच्चे वहाँ पे NCC के, NSS के, रेंजर रोवर्स के हैं, इसकी टास्क फोर्स में हैं। उनको टास्क दिया गया है अलग अलग, जहाँ ये सैनिटाइजेशन सेंटर और ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, लोगों को लाने का, जनरल अवेयरनेस करने का, उनको लेके आने का, और हर शाम को इसकी एक रिपोर्ट महामहिम को जाएगी जो हम प्रेस में देंगे।